हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु किचन। आज हम बनाएंगे चुकंदर का जूस, वो भी घर पे इजीली। पीने में इसका टेस्ट बहुत मीठा होता है, साथ में ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए फिर ये ट्रिक आपको बताते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए। चुकंदर का जूस निकालने के लिए नहीं है, बल्कि आप किसी भी फल का निकाल सकते हैं, अनार, अंगूर, तरबूज, इनफैक्ट किसी भी चीज का जूस निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। तो इस ट्रिक को बिना स्किप किए आप देखिए। चुकंदर का जूस बनाने के लिए हम एक चुकंदर लेंगे और इसे अच्छे से हम छील लेते हैं। मैंने चुकंदर को छील लिया है, अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। देखिए, मैंने चुकंदर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे लगभग एक गिलास पानी में मैंने भिगा दिया है। भिगा के आप इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पास समय है तो इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम एक ग्राइंडर लेंगे, मिक्सर। जी हाँ, हम जूस को जूसर मिक्सर से नहीं निकालेंगे। हम नॉर्मली जो चटनी बनती है ना, जिसमें या फिर जिसमें आप मैंगो जूस नहीं बनाते, उसमें आप बना सकते हैं, बट मैं ये चटनी वाले में ही बनाऊंगी। इसमें हम चुकंदर के कुछ टुकड़े डालेंगे और 10 मिनट बाद चुकंदर अपना सारा कलर इसमें छोड़ देगा पानी में। ये देखिए, पानी बिल्कुल रेड हो गया है। इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, जिससे आपका जो है ये चुकंदर का जूस होता है पूरा निकल जाता है। हमारा निकल गया है। एक कप लेंगे और एक मोटा स्ट्रेनर लेंगे हम, छन्नी, और इसमें हम अपना जूस निकालेंगे। ये बहुत ही इजीली निकल जाता है। पूरा प्रेस कर करके इसका सारा जूस निकाल देंगे, लेकिन लास्ट में इसका बस इसे ये नीचे का बच जाता है जो वेस्ट होता है। देखिए, इसमें जरा सा भी जूस नहीं है, पूरा सारा इसका रस निकल गया है। और ऐसे ही हम सारा जूस निकाल लेंगे। मैंने बस एक चुकंदर लिया है और एक चुकंदर में मैं आपको 2 गिलास हल्का सा पानी डालेंगे और चुकंदर टुकड़े डालेंगे और इसे मिक्सी में चलाएंगे। चुकंदर हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके शरीर में ब्लड की कमी है, उसे 1 गिलास सुबह चुकंदर का जूस पीना चाहिए। इसको आप हाथ से भी निचोड़ सकते हैं। अब लास्ट में जो हमारा ये वेस्टेज बचा है, जिसको मैंने छान के ऊपर जो बचा था उसे निकाल लिया है, उसका भी हम एक बार और मिक्सर में डाल के ग्राइंड करेंगे, जिससे इसका सारा रस जो बचा होगा थोड़ा बहुत वो निकल जाएगा। अब इसे मिक्सी में पसंद है, ये आपका बीट रूट मीठा नहीं है, तो आप इसे हल्का सा अपने टेस्ट के लिए
शुगर डाल सकते हैं, बट हल्का सा। इसमें आप हल्का सा पुदीना डाल के एक बार और ग्राइंड कर लीजिए। आपके पास अगर ज्यादा पुदीना है तो ज्यादा डालिए, जिससे टेस्ट अच्छा आए। इसे हाथ से भी ऐसे दबा दबा के सारा इसका रस निकाल दे। ये देखिए लास्ट में क्या बचा, वेस्टेज। इसको अब हम फेंक देंगे, बाकी बचा हुआ निकाल लेते हैं। देखिए मैंने एक चुकंदर से इतना जूस निकाला, इन्हें अब हम सर्व कर। इसमें आधा हम नींबू निचोड़ेंगे। अगर आप व्रत नहीं है तो इसमें काला नमक डाल सकते हैं। मैं चूंकि व्रत हूँ तो मैं नहीं डाल रही हूँ। काला नमक डालने से और टेस्ट अच्छा लगता है। और पहले मैंने बड़े छन्नी से जूस निकाला है, अब इनको हम चाय की छन्नी से आराम से जूस निकालेंगे, जिससे इसका सारा ऊपर का जो होता है छोटे छोटे कण वो सब निकल जाते हैं। देखिए दो ग्लास जूस रेडी है चुकंदर का। से ये देखिए हमारा चुकंदर का जूस कितना इजीली तरीके से। अगर आपको मेरी ये नुस्खा अच्छा लगे तो आप अपने घर ट्राई करिए। अगर आप भी मार्केट नहीं जाना चाहते हैं और घर पे जूस निकालना चाहते हैं आसानी से, तो एक बार इस तरीके से जूस निकालिए। और हाँ, इस तरीके से सिर्फ चुकंदर का ही नहीं निकलता है, अंगूर का, संतरे का, मौसमी का, अनार का, सबका इसी तरीके से जूस निकल जाएगा इजीली। क्या होता है जूसर में, एक तो उसका इतना सारा पार्ट होता है कि अच्छे से जूस निकलता भी नहीं है और उसको धोना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मैंने ये इजी सा ट्रिक आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। जो मार्केट से जूस नहीं पी सकता है वो घर पे निकालने के लिए देखते ही ये वीडियो ट्राई करेगा। अब मैं इसे पी लेती हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।